हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, एसएससी जीडी के लिए एक नोटिस आ गया है आपका। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। यदि आप तैयारी कर रहे हों और उसके साथ एग्ज़ाम की डेट आपकी कन्फर्म होके आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही मन लगता है तैयारी में। ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हमारे साथ कुछ हो सकता है या हम कुछ कर सकते हैं इस तरीके से। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे आज की डेट है ये वाली 24/11/2000 में, जो ये अनाउंस हो गया है जारी आपका। आपको मैं देखता हूँ सीबीटी, सीबीटी आपका जो जो सीबीई होगा आपका, देखिए कांस्टेबल, जीडी एंड सेंटर पुलिस फॉर सीपीएफ एंड जो भी, इसके लिए है जीडी के लिए एग्जामिनेशन एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। ये आपका एग्ज़ाम जो है आपका 10 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक होगा। ये डेट आपकी आ गई है, एग्ज़ाम डेट आपकी। जो बच्चे ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आने वाली है, एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आने वाली है, मैंने जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे नहीं अभी तो 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। नहीं भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि इसी तरीके से ये कराएंगे और साथ के साथ ही आपका एग्ज़ाम ले लेंगे और कंडक्ट करा लेंगे, उसके बाद आप पे कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने तैयारी छोड़ रखी है उन बच्चों के लिए लॉस हो जाएगा। बच्चों, जो अब भी बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी के प्रति सजेस्ट नहीं हैं, तो भाई तैयारी स्टार्ट कर दो बिल्कुल, क्योंकि अभी बिगुल बज चुका है आपका, कुछ कर दिखाने का समय आ चुका है आपका। तो पूरी हिम्मत से लग जाइए और बिल्कुल सब कुछ त्याग दीजिए अगर आपको वैकेंसी निकालनी है। देखिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये अपना मतलब 100% नहीं दे पाते। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं अपना 100% नहीं दे पाया, अगर मैं 100% देता तो मैं सिलेक्शन हो जाता मेरा इसमें। तो भाई ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, बिल्कुल 100% अपना दो, इस तरीके से दो कि आने वाले समय में अगर आपसे ये आप खुद से सवाल करें, अपने मन से सवाल करें कि मैंने क्या करा, तो आपका मन ये गवाही ना दे कि मैंने कमी कर दी थी। आपका मन ये कहे मैंने पूरी अपनी जान झोंक दी थी तैयारी में और भले ही मेरा नंबर नहीं आया, वो किस्मत की बात है, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। तो भाई ये 100% जो होता है ना, ये होता है सबसे बड़ी ताकत आपकी। तो आपको 100% देना है अपना, कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ है अगर आप ठान ली तुमने, और अगर तुमने ये डर अपने मन में रख बना लिया कि भाई बहुत कंपटीशन है तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि बस बिगुल बज चुका है, लग जाओ और निकाल के वैकेंसी को रख दो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल इस तरीके से क्लियर करना ताकि आप फिजिकल से बाहर ना हो। फिजिकल में यार कई बार ऐसा होता है बच्चे के नंबर जो है बाउंड्री पर होते हैं, वो फिजिकल मारने में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट करो भाई, 80% से ऊपर ही आपको सिलेक्शन लेना है, 80% से ऊपर, वरना आप बाहर हो जाओगे बच्चों। तो अपना तैयारी बहुत ही अच्छे से करो। आशा करता हूँ आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता रहूँगा मैं, जैसे ही आपकी कोई न्यूज़ मिलेगी मैं आपको बिल्कुल इसमें बताऊँगा। तो इससे पहले आपको बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि मैं भी आपके चैनल पर कितने फॉर्म भरे हैं एसएससी में, कितने नहीं भरे हैं, 30 तारीख के बाद मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा आरटीआई के विद प्रूफ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।